जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने एक एक करके सब नेताओं का पत्ता काट दिया है, शिवराज सिंह चौहान को भी हटा दिया, वसुंधरा राजे को भी हटा दिया, खट्टर साहब को भी हटा दिया, डॉक्टर रमन सिंह को भी हटा दिया, देवेंद्र फडणवीस को भी हटा दिया, योगी जी बचे हैं। योगी जी को अब सब लोग कह रहे हैं कि चर्चा घर घर में चर्चा है कि अब योगी जी को हटाया जाएगा ताकि अमित शाह जी का रास्ता साफ किया जा सके सक्सेशन के लिए। इस दौर में सियासी गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म है। चुनाव अभियानों से लेकर घोषणा पत्रों तक हर मुद्दे पर जोरदार बहस चल रही है। हालांकि आज हम बात करेंगे एक ऐसी खबर की जो खास है। ये खबर है देश के रक्षा मंत्री और लखनऊ से सांसद राजनाथ सिंह की। उन्होंने पिछले दिनों विपक्षियों द्वारा प्रधानमंत्री मोदी के बाद अमित शाह को पीएम बनाए जाने और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को हटाए जाने के दावों पर अपनी राय रखी। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका एयर न्यूज। विपक्षी दल खासकर आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल यह दावा कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी अपने बाद अमित शाह को प्रधानमंत्री की कुर्सी सौंप देंगे। साथ ही उन्होंने कहा है कि बीजेपी के सत्ता में वापसी के बाद योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश में सीएम के पद से हटा दिया जाएगा। इस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि विपक्ष की ये बयानबाजी इस बात का संकेत है कि वो अपनी हार स्वीकार कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी में इस तरह के फैसले संसदीय बोर्ड लेता है और पीएम मोदी ही प्रधानमंत्री बने रहेंगे, यहाँ तक कि 2029 में भी वही प्रधानमंत्री बनेंगे। उन्होंने योगी आदित्यनाथ को हटाए जाने के दावों को भी सिरे से खारिज कर दिया। यह पहली बार नहीं है जब सत्ता परिवर्तन के बाद मुख्यमंत्रियों को बदला गया हो। 2014 में मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान को और 2019 में हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर को भी बदल दिया गया था। भाजपा ने एनडीए के लिए 400 पार का नारा दिया है, जबकि विपक्षी दलों का दावा है कि 200 से अधिक सीटें नहीं आई। इस पर राजनाथ सिंह ने कहा कि हमारा लक्ष्य संकल्प है, चौथे राउंड के बाद ही बीजेपी को बहुमत हासिल हो गया है और हमारा फोकस 400 का लक्ष्य हासिल करने पर। राजनाथ सिंह की प्रतिक्रिया से यह स्पष्ट होता है कि भाजपा इस बार चुनाव में भी बुलंद हौसलों के साथ उतरी। विपक्षियों के दावों को उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया है। यह ध्यान देने योग्य है कि बीजेपी ने इस बार चुनाव में सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास का नारा दिया। इसे पता चलता है कि पार्टी सभी वर्गों का समर्थन हासिल करने का प्रयास कर रही है। दूसरी ओर विपक्षी दल एकजुट नहीं है और उनके बीच मतभेद साफ नजर आ रहे हैं। इससे भाजपा को फायदा हो सकता है। हालांकि यह भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि चुनाव का नतीजा कई कारकों पर निर्भर करेगा, जिसमें मौजूदा आर्थिक स्थितियां, मतदाताओं की धारणाएं और विभिन्न राजनीतिक दलों के अभियान शामिल हैं। इसलिए इस समय यह निश्चित रूप से कहना मुश्किल है कि विपक्षियों के दावे चुनाव परिणामों पर क्या प्रभाव डालेंगे, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि राजनाथ सिंह की प्रतिक्रिया ने भाजपा को बढ़त दी है और विपक्ष को अपने दावों पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर किया। तो ये थी हमारी आज की खास रिपोर्ट। इस रिपोर्ट से जुड़े कोई भी सवाल या अपने विचार आप हमें हमारे कमेंट में लिख सकते हैं और इसी तरह की देश और दुनिया के तमाम खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आने वाले समय में आपको हमारी महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन समय से प्राप्त हो सके। फिलहाल मैं तनु शर्मा आपसे विदा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए एयर न्यूज। नमस्कार।